विश्व स्तर का प्रदर्शन किया। क्लैपिंग प्लीज। टोक्यो में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। आप सबकी इस टीम ने ओलंपिक के हमारे इतिहास में सबसे अधिक पदक जीते हैं। पूरा देश इस उपलब्धि पर गौरवान्वित है, इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमें आज अपनी उन बेटियों पर विशेष रूप से गर्व है जिन्होंने अनेक बाधाओं के बावजूद विश्व स्तर का प्रदर्शन किया। क्लैपिंग प्लीज। कोविड महामारी के कठिन समय में आपने देशवासियों को खुशी मनाने के लिए अवसर प्रदान किए। जब आप खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं तो कभी आप जीतते हैं और कभी हारते भी हैं, लेकिन हर बार आप कुछ ना कुछ सीखते जरूर हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि टोक्यो ओलंपिक के दौरान आप सबने जीत को विनम्रता के साथ और हार को गरिमा के साथ स्वीकार किया। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि 130 करोड़ भारतवासी आपकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे और पूरे उत्साह के साथ आपका समर्थन कर रहे थे। कई वर्षों के बाद ओलंपिक में जब हमारा तिरंगा सबसे ऊपर लहराया गया और हमारा राष्ट्रगान बजाया गया, उस समय सभी देशवासियों की भावनाएं नीरज चोपड़ा के साथ जुड़ी हुई थी। और सभी देशवासियों की एक ही भावना थी कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आप सबकी उपलब्धियों ने युवाओं को खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रेरित किया है। अभिभावकों में भी खेलकूद के लिए सकारात्मक सोच पैदा हुई है। टोक्यो ओलंपिक में हमारा प्रदर्शन न केवल उपलब्धियों की दृष्टि से बल्कि संभावनाओं की दृष्टि से भी अभूतपूर्व रहा है। आप में से अधिकांश खिलाड़ी अपने स्पोर्टिंग करियर की शुरुआती दौर में हैं। जिस जज्बे और कौशल के साथ आप सभी ने टोक्यो में प्रदर्शन किया है, उसके बल पर आने वाले समय में खेल जगत में भारत की प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज होने वाली है। आप सबकी लगन और प्रतिभा के बारे में जानकर मुझे यह विश्वास हो रहा है कि भविष्य के ओलंपियाड में अनेक खेलों में हमारा राष्ट्र ध्वज सबसे ऊपर रहेगा। आई अप्रिशिएट द रोल प्लेड बाई द कोचेस, सपोर्ट स्टाफ, फैमिली मेंबर्स एंड वेल विशर्स हु कंट्रीब्यूटेड टू योर प्रिपरेशंस। आई वंस अगेन कांग्रेचुलेट यू ऑल फॉर योर एक्सीलेंट एफर्ट्स। आई विश दैट ऑल ऑफ यू सेट न्यू रिकॉर्ड्स इन द फ्यूचर। आई नाउ इन्वाइट यू ऑल टू एंजॉय हाई टी। थैंक यू। जय हिंद।